हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एमएमएस फ्लॉस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं जिनको आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, उनका नाम है आतिश भाई। और वो इतने हार्ड वर्किंग है, इतने हार्ड वर्किंग है कि आपको मैं बता नहीं सकता। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करने के बाद में इनका जो पैशन है वो है फिशेस का। तो ये वीडियो होने वाली है फिशेस के बारे में, और इनके पास जो फिशेस आती है ना भाई, उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि इनके पास जो भी आता है वो स्टॉक आता है इम्पोर्टेड वाला, इम्पोर्टेड इन द सेंस जो भी फिशेस आती है इनके पास में सब बाहर से, मलेशिया, थाईलैंड, है ना आतिश भाई? हाँ भाई। इनका नाम है आतिश। तो हाय गाइस, दिस इज आतिश पॉल हियर, ओके, ऑन ऑफ आर्यन एक्वाटिक्स एंड एक्जॉटिक पेट वर्ल्ड। मेरे पैशन ऑलवेज बीन लाइक कीपिंग पेट्स, ओके, डॉग्स, कैट्स एंड फिशेस एंड ऑल। सो मेरा पैशन बहुत ही ये था, बिजनेस तो बाद में होता है, व्हेन यू डोंट लव व्हाट यू वांट टू। ओके, सो फिशेज एंड ऑल मैं 10 साल से कर रहा हूँ। पहले घर में करता था, एंड देन लेटर ऑन डे बाई डे पैशन बढ़ते रहा। आई फाइनली आई थॉट ऑफ ओपन अ शॉप एंड गो डाउन वेयर द पीपल कैन गेट अ होल सेल रेट अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिशेज फ्रॉम मलेशिया एंड थाईलैंड, राइट, एंड इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। वो तो बात सही बताया आपने, क्योंकि इनके पास जो क्वालिटी की फिशेस आती है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा हूँ। और इनके पास जो स्टॉक आया था उसका जो है मेरे पास क्लिप्स है, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और उसके ऊपर जो है मैं वॉइस ओवर देने वाला हूँ। और आतिश भाई से क्या उनका लाइफ स्पैन रहता है, क्या उनका प्राइस रहता है, वो सब जो है अपन मालूम करेंगे। ठीक है आतिश भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा है, ये क्या बोलते हैं इनको? ये इसको बोलते हैं इगुआना। इट गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड, ओके, हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं थाईलैंड से। और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, अच्छा, जो ग्रीन आते हैं, ब्लू आते हैं, रेड आते हैं, एंड इगुआना जो है पेट के हिसाब से भी आप पाल सकते हैं, ओके, एज वेल एज ये बहुत ही मतलब फ्रेंडली रहते हैं, एंड इट्स ओनली अ वेज, इट्स ओनली ईट वेजिटेबल्स ही ईट करते हैं, ओके। और इनका मतलब प्राइस रेंज क्या होता है? प्राइस रेंज रहता है अराउंड 6,000 से लेके अराउंड 15,000 तक रहती है। 6,000 से 15,000, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। ओके, तो ये रखना इंडिया में लीगल है? हाँ, पेट कर सकते हैं, इट्स लीगल बिकॉज इंडिया में लीगल है, एंड आप लोग पेट के हिसाब से भी रख सकते हैं। ओके, ये शिपमेंट हो सकता है, मतलब के समझो कि बैंगलोर के बाहर इंडिया में कहीं और से किसी ने मंगाया? हम लोग थ्रू बस और थ्रू ट्रेन शिपमेंट कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट्स है। इगुआना जो है खाली प्री बुकिंग में आपको मिलेगा, ओके, क्योंकि एक प्री बुकिंग में ही आपको मिल सकता है, और जो भी है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये होलसेल भी मिलेंगे और रिटेल भी मिलेंगे, दुकानदार लोग के लिए भी है, जो शॉपकीपर्स है वो वॉन्ट्स टू सेल इट, आई गिव इन वेरी मिनिमम प्राइस, जो होलसेल रेट भी बहुत कम होगा। ओके, ये जो बोले आपको मैं रिटेल रेट बोला था, अच्छा, ठीक है, ओके। सो ओके, और इसके आगे ये कौन सी है? ये फ्लावर हॉर्न है, हाँ, काफी बड़ा हम्प है बाकी इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये इम्पोर्टेड है? हाँ, ये इम्पोर्ट फ्रॉम थाईलैंड है, जो आप जानेंगे कि जो भी इम्पोर्टेड आता है फ्लावर हॉर्न वो ब्रीडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ब्रीडिंग के लिए नहीं होते, पर जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है ये आप जो हॉबीस्ट है वो लोग ब्रीड भी कर सकते हैं इंडिया में, राइट, एंड ये ब्रीडिंग पेयर हम लोग सेल करते हैं, मतलब ब्रीड के लिए रेडी रहते हैं ये, बिल्कुल परफेक्ट ब्रीडिंग के लिए रेडी रहते हैं। एंड इनका प्राइस क्या कोट करते हैं आप? ये कोट करता है अराउंड, ये ब्रीडिंग जैसे पेयर है अराउंड 4,000 से शुरू होता है टिल 10,000 तक रहता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो है SRD है, SRD का एक नॉर्मल आप प्राइस कितना कोट करते हैं? SRD देखिए जैसे 1400 से लेके अराउंड 3.5 तक, ओके, तो बेबीज जो है 1400 तक का रहते हैं, मतलब हम्प आ जाए जिसका, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म हम्प वाले, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, सो और 950s का भी आता है, जो बच्चे आते हैं, जैसे कंफा रहते हैं, कंफा आपके पास में क्या स्टार्टिंग रेंज रहेगा? वो कंफा है जो अराउंड 850 के भी आएंगे, 850 से रहते हैं 5,000 तक रहते हैं। हाँ हाँ, तो कंफा जो है व्हाइट आई कंफा भी मिलते हैं हमारे, व्हाइट आईज कंफा, बिल्कुल, ओके, तो उनका क्या प्राइस रेंज कोट करते हो आप? 850 से लेके 5,000 तक रहता है, वेरिएशंस रहता है, टोन वेल कैसे रहता है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है। इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है फ्लावर हॉर्न्स का? वो तो आप हमेशा वाटर क्लीन रखना है, एंड अराउंड 3 टाइम खाना देना है उसको, तो इट विल आप मेंटेन करेंगे तो अराउंड 5 to 10 years तक रहते हैं। 5 to 10 years तक भी रहते हैं, बिकॉज मैंने भी रखा था फ्लावर हॉर्न, मेरे चैनल पे भी है, रेस्ट इन पीस बोल के मैंने, एक मेरी फ्लावर हॉर्न हो गई है
तो मैंने अराउंड उसको 3 साल तक पाला है, बट क्या हुआ कि हमारा रेंटल हाउस था तो जगह जगह शिफ्ट करना था, थोड़ा स्ट्रेस में आती थी। अभी बैंगलोर मैंने लेके आया तो काफ़ी स्ट्रेस आउट हो गई थी वो, फिर यहाँ पे आके स्टेबल होने के बाद में अराउंड 2-3 महीने के बाद में ही डाइड। तो इसके लिए मैंने पूछा कि क्या कितने एज तक रहती है ये? आप देखिए, इसके लिए आपको लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए डीवॉर्मिंग का लिक्विड भी आता है। बराबर। आपको एवरी 3 मंथ्स अपने फिशेस को डीवॉर्म करना पड़ता है। ओके। क्योंकि ये जो इम्पोर्ट होके आता है उसका वाटर क्वालिटी थाईलैंड राइट इंडिया का वाटर क्वालिटी में बहुत ही डिफरेंस है। तो जब आता है वहाँ से जो स्ट्रेस में रहते हैं, आपको मेडिकेशन देके और आपको डीवॉर्मिंग करना पड़ता है पहले, राइट तो उसका लाइफ स्पैन भी अच्छा पड़ता है। और फूड में भी आपको देखना पड़ता है कि प्रोटीन, करेक्ट प्रोटीन देना पड़ता है ओके फ्लावरहॉर्न्स को, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन देंगे तो तभी उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ओके सो दैट्स ऑल। ओके, और ये कौन सी अपने पास में? देखिए, ये तो ऑस्कर्स है। हाँ, ऑस्कर्स है, वो 4 वैरायटीज के आते हैं। फोर वराइटीज के आते हैं आपके पास? फोर वराइटीज के ऑस्कर्स आते हैं, जैसे हो गया कॉपर ऑस्कर, एल्बिनो, फायरी रेड एंड टाइगर ऑस्कर्स। मेरे पास हर वराइटीज के ऑस्कर्स मिलेंगे फ्रॉम प्राइस रेंज ऑफ 100 रुपीज और फ्रॉम 50 रुपीज टू टिल 800 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द साइज, कलरेशन, एवरीथिंग। एंड दिस ऑल विल बी इम्पोर्टेड वंस, नॉट द लोकल वंस विच वी गेट इट फ्रॉम other places like Kerala and all, he won't get that. Okay. So, और ये आए हैं फिर से फ्लावरहॉर्न से अपने पास में, डिफरेंट वैरायटीज के, ये बच्चे हैं फ्लावरहॉर्न्स के। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं ऐसे 150 से 350 तक आते हैं। ओके, 400 तक डिपेंड्स करते हैं। इसमें मेल फीमेल सब आते हैं, इम्पोर्ट मिक्स रहते हैं ये मेल, इसमें हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, बट हाँ क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड। ओके, तो ये क्वालिटी वाइज में आपको एकदम अच्छी मिलती है, मतलब अच्छी मिलेगी, मतलब अगर मेल रहा तो कंफर्म हेड निकलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेल रहा तो कंफर्म हेड निकलना ही है। हम बहुत सारे कस्टमर्स को दिए गए, 150 के बच्चे लेके गए और दे कैन सेल अबाउट 10,000 रुपीज, इतना अच्छा हेड आया है एंड इट्स अ मॉन्स्टर हेड। ओके, और बेसिकली मैं अपने ऊपर ही बोलूंगा कि मैं अपने होम टाउन भेजा था एक छोटा सा बच्चा एंड इट बिकेम अ ह्यूज मॉन्स्टर फ्लावर हॉर्न। कोई मानेंगे नहीं कि इतने छोटे 150 रुपए के बच्चे इतना वर्थी हो सकते, इतना वर्थी हो सकते। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, मैं जो सेल करता हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ऑलवेज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ओके, और ये कौन से? अरवाना, अरवाना है, सिल्वर अरवाना है। बेसिकली हम लोग मलेशिया से इम्पोर्ट करवाते हैं। ओके, ये अरवानास, इट्स अ बेबी अरवानास। ओके, एंड पीपल हु इज लाइक स्टार्टअप है, अरवाना रखना चाहते हैं, एक्सपेंसिव नहीं करना चाहते, वो सिल्वर अरवाना से शुरू कर सकते हैं। ओके, वो बहुत कॉस्टिंग भी आपको बहुत ही कम पड़ती है। अच्छा, एंड इट इज वेरी फ्रेंडली। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेड मलेशिया के कह रहे हो आप, तो इसमें और अपने इंडियन अरवानास में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, डिफरेंस किसी को पता नहीं चलता बेसिकली, राइट, एंड पीपल टेंड टू बाय इन द चीपर रेंज, राइट। सो केरला का भी आता है, केरला में भी ब्रीडिंग होता है फार्म में, और मलेशिया में भी ब्रीडिंग होता है, right, फार्म में। क्या होता है, इंडिया का जो मतलब जो केरला से आते हैं वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, पर क्या होता है उसका डार्क हो जाता है कलर। हाँ, जैसे जैसे बड़ी होने जाती है वो उसका कलर जो होता है डार्कनेस में आ जाता है। हुँ. पर जो असली सिल्वर जो अरवाना होता है वो बहुत ही शाइनी टाइप के सिल्वर अरवाना होते हैं, जो इम्पोर्टेड रखते हैं, जो बड़े होते हैं, आपको करेक्ट मतलब सिल्वर अरवाना शाइनी दिखा और बहुत ही ब्यूटीफुल उम्दा टाइप का ये रहता है। ओके, तो इनका क्या प्राइस रेंज कोट करते हैं आप? हम लोग अराउंड 600 से लेके अराउंड 5000 तक भी होता है। जैसे अरवाना में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं, जैसे ये तो सिल्वर अरवाना है, ठीक है, उसके बाद आता है पर्ल, जदारी पर्ल आता है, जदारी पर्ल जो होता है वो अराउंड 1800 से लेके 3000 तक होता है। Okay. उसके बाद आता है बंजारा रेड, आरटीजी, तो वो अभी अपने पास आगे है। इसका क्या कितना प्राइस आप कोट करते हो सिल्वर? सिल्वर का आता है आपको 550 से लेके अराउंड 1500 से लेके तक, 1500 तक का रहता है, 500 से लेके 1500 तक का, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और फिर हमारे पास में ये कौन सी है? ये है पर्ल, गोल्डन पर्ल जो आता है, ये सिल्वर का बाद आता है। अच्छा, ये सिल्वर के बाद है, गोल्डन पर्ल बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं। ओके, ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, स्मॉलर साइज मिलता है, वो साल में एक बार
आता है मलेशिया का फार्म से, जब बड़े होते हैं बहुत ही उम्दा टाइप का, गोल्डन शाइनी रहता है, थोड़ा फ्रेश टाइप रहता है, बहुत ही उम्दा टाइप का। इनके लिए फीडिंग करने के लिए बेस्ट फूड कौन सा है? देखिए, फीडिंग आप श्रिम्प्स दे सकते हैं, ओके, ब्लड वॉर्म्स दे सकते हैं, फिर गोट हार्ट दे सकते हैं। गोट हार्ट बिल्कुल कलर के लिए, इनके लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोट हार्ट जो होता है आप जस्ट क्लीन करके ग्राइंड करके आप फ्रिज में रख देंगे एंड देंगे तो बहुत ही अच्छा फूड है। okay. जिसको टाइम नहीं रहता है या जस्ट बिजी, जो आपको नॉर्मल जो स्ट्रिम्स आते हैं okay. दे सकते हैं, और फिर ब्लड वॉर्म्स आते हैं अच्छा वो भी दे सकते हैं। okay. पर मैं, मेरा सजेशन रहेगा कि कभी भी अरवानास को लाइफ फीडिंग मत दीजिए। अच्छा. क्योंकि लाइफ फीडिंग क्या होता है, फीडिंग जो रहता है उसमें डिजीज कुछ रहते हैं, राइट, तो इट विल एंटर देयर स्टमक एंड वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है। एक और एक चीज है, दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग अरवाना को फीडिंग देना शुरू करेंगे वो दूसरे फूड खाना बंद कर देती है, राइट, वो मैंने भी देखा। सो वो एक चीज आपको हमेशा हम लोग कस्टमर्स को या जो लेके जाते हैं उन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि लाइव फूड दीजिए पर वेरी मिनिमम रेयर।